नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत, दर्शन के अंतर्गत हम लोग लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आयुर्वेद एक स्वतंत्र एवं श्रेष्ठ दर्शन। आयुर्वेद एक श्रेष्ठ एवं स्वतंत्र दर्शन, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपके सिलेबस में क्या है, जो कि आयुर्वेद एज ए यूनिक एंड इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट, इस तरह से आपके सिलेबस में नया पॉइंट जुड़ा है। मेरा मानना है कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी अभी ये नया सिलेबस में ऐड हुआ है, इससे पहले सिलेबस में नहीं था, दर्शन के अलावा और कुछ नहीं था। तो ये देखते हैं कि आयुर्वेद अपने आप में दर्शन है और साथ ही साथ एक स्वतंत्र दर्शन है, कैसे इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग श्रेष्ठ बात करना है कि आयुर्वेद एक दर्शन है, क्योंकि दर्शन है और अपने आप में एक स्वतंत्र दर्शन है। दूसरे पॉइंट बात करें तो पहला जो हम लोग का कांसेप्ट ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये दिखा रहा है कि आयुर्वेद एक दर्शन है। जैसे हम लोग जानते हैं दर्शनों की बात जब करते हैं तो दर्शन की बात हम लोग करेंगे तो हम लोग सिंपली दर्शन को दो भाग में विभाग करते हैं, एक आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। जो आस्तिक दर्शन की संख्या होती है 6 होती है और नास्तिक दर्शन की संख्या मोटा मोटा 3 होती है। तो इस तरह से टोटल भारतीय दर्शन की बात करें तो 6-3-9 माने गए हैं, लेकिन आयुर्वेद भी एक दर्शन है, इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ देखेंगे ये जो 9 दर्शन हुए, जो भारतीय दर्शन 9 है, आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों का दिग्दर्शन होता है। तो इन 9 दर्शनों में हम लोग, जब 9 दर्शन की बात एक एक करके पढ़ा है ना, हम लोग चैनल बनाया भी है, तो इन 9 में आयुर्वेद के जो मौलिक जो सिद्धांत है, जो मौलिक प्रिंसिपल है, उनका उनके सिद्धांतों का रूपरेखा यहाँ पर इन दर्शनों में दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर 3 पॉइंट बताएंगे, 3 एग्जांपल बताएंगे, जिसके थ्रू हम लोग कोरिलेट करेंगे कि जो बातें दर्शनों में कही गई है वही बातें आयुर्वेद में भी कही गई है, मतलब आयुर्वेद एक दर्शन है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, जैसे हम लोगों ने बात किया वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता थे, आचार्य थे, आप लोग बताएगा कड़ार, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कड़ार, ठीक है। तो कड़ार ने क्या बोला कि 6 पदार्थ होते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये 6 पदार्थ होते हैं। और अब बात करते हैं कि आयुर्वेद में भी 6 पदार्थों का वर्णन आया है, लेकिन 6 पदार्थ के नाम से नहीं, 6 कारण के नाम से आया है। ये बात चरक ने सूत्र स्थान के 1 में बोला है, देखेंगे उन्होंने सीक्वेंस बदल दिया है, बाकी 6 चीज वही दिया है। उन्होंने सीक्वेंस क्या रखा है, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय रखा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रकृति पुरुष अर्थात आत्मा, पुरुष को मतलब आत्मा, एकादश इंद्रिया मतलब 11 इंद्रिया अर्थात 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक उभयेंद्रिय अर्थात मन, और पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत, ये क्या है, दर्शन शास्त्र तथा आयुर्वेद दोनों में सृष्टि उत्पत्ति के वर्णन मिलता है। तो ये जो भी तत्व हैं, चाहे वो प्रकृति हो, पुरुष हो, एकादश इंद्रिया हो, पंच तन्मात्रा हो, पंच महाभूत, ये चाहे दर्शन शास्त्र तथा आयुर्वेद दोनों के सृष्टि की उत्पत्ति के वर्णन में मिलता है, तो हम लोग दोनों में देखते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो है, अन्य दर्शनों का उद्देश्य, अन्य दर्शनों का जो उद्देश्य था, मतलब भारतीय दर्शन जो थे, इनका उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, इनका उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति तथा त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। तो जो 3 प्रकार के दुख बताए गए उनकी निवृत्ति या उनका नाश, लेकिन आयुर्वेद का उद्देश्य या प्रयोजन, जो आयुर्वेद का उद्देश्य या प्रयोजन है, दुख निवृत्ति, दुख का नाश तो है ही है, साथ ही साथ स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण करना, रक्षा करना एवं रोगी व्यक्ति के विकार का शमन करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे तीनों में ये सिद्ध हो जाता है कि आयुर्वेद अपने आप में एक दर्शन है, अन्य दर्शनों की भांति आयुर्वेद भी एक दर्शन है। तो यहाँ पर इन तीनों पॉइंट को देखने से हम लोग पता चलता है कि उपर्युक्त 3 पॉइंट से स्पष्ट होता है कि अन्य दर्शनों की भांति आयुर्वेद भी एक दर्शन है, ये सिद्ध हो गया। अब बात करेंगे आयुर्वेद एक दर्शन है तो आयुर्वेद अपने आप में एक यूनिक अर्थात कि एक स्वतंत्र दर्शन कैसे है, मतलब अन्य दर्शनों से अलग कैसे है, तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो आयुर्वेद के अन्य प्रतितंत्र सिद्धांत, तो हम लोगों ने सिद्धांत के 4 भेद बोले गए थे, उसमें सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, इस तरह से हम लोगों ने बात किया था। जो प्रतितंत्र सिद्धांत होता है वो ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक संहिता या एक तरफ जाता है, जो अन्य सभी में नहीं है, मतलब जो दर्शन हम लोगों ने भारतीय दर्शन 9 है उसमें ये न होकर ये केवल केवल सिद्धांत हम लोग जो बात कर रहे हैं प्रतितंत्र सिद्धांत, सिर्फ आयुर्वेद के संहिताओं में मिलता है। तो वो कौन कौन से सिद्धांत हैं, प्रतितंत्र सिद्धांत हैं, जो इसको एक यूनिक और इंडिपेंडेंट दर्शन बनाता है।
तो एक स्वतंत्र दर्शन बनाता है, हम इसको प्रूफ करेंगे कि आयुर्वेदिक स्वतंत्र दर्शन है। इस पॉइंट को पुष्टि के लिए हम लोगों ने कुछ पॉइंट दिया। तो हम लोग जब बात करते हैं कि पंच महाभूत, तो पंच महाभूत के बारे में, चाहे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी या इनके जो गुण होते हैं, सब रूप जो होते हैं, शब्द स्पर्श रूप गंध इत्यादि, इसके बारे में जो है ये आयुर्वेद में बहुत ही स्पष्ट रूप मिलता, अन्य कहीं जगह भी विशेष रूप से नहीं मिलता है। त्रिदोष अर्थात वात पित्त कफ या दोषों के बारे में, दोष दो प्रकार होते हैं, शारीरिक दोष मानसिक दोष, शारीरिक दोष होते हैं वात पित्त कफ, मानसिक दोष होते हैं रजतम, तो इसके बारे में जो इसका जिस प्रकार वर्णन मिलता है अन्य ग्रंथों में कहीं नहीं मिलता है। सप्त धातु, सात धातुएं जो होती है जीवन के लिए आवश्यक होती है, रस लेकर शुक्र धातु का वर्ण आयुर्वेद में विस्तृत तौर से मिलता, अन्य दर्शनों में कहीं पर विशेष मिलता नहीं है। तो त्रिगुण, त्रिगुण मतलब सत्व रजतम, सत्व रजतम के बारे में चरक सुश्रुत वाग्भट ने भी बहुत अच्छे तरह से बताया है, लेकिन अन्य दर्शनों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। त्रिदुख की बात करते हैं, त्रिदुख की वर्णन आया है। रसादि पंच पदार्थ की बात हम लोगों ने आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे तरह से देखा है। आत्मा परमात्मा का वर्णन तो आप लोग वैसे भी फर्स्ट ईयर में हो या किसी भी प्राप्त में हो, कहने की हर जगह इसको आयुर्वेद में पढ़ना ही पढ़ना होता है, जो कि अन्य दर्शनों में इसका विस्तृत वर्णन नहीं है। और पुनर्जन्म तथा मोक्ष, ये चरक का बहुत फेवरेट, चरक सुश्रुत का फेवरेट रहा है। और अष्टत्रिक की बात करेंगे तो अष्टत्रिक का वर्णन बहुत अच्छे से मिलता है। और चतुर्विंशति पुरुष और पंचविंशति पुरुष, ये कुछ जो 10 पॉइंट है, मिनिमम आपको 10 पॉइंट याद कर लेना है। इन 10 पॉइंट को देखने से, इन सभी पॉइंट को देखने से हम लोग को पता चलता है आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन है। तो इससे प्रूफ हो जाता है, पहले जो स्टार्ट था इससे हम लोग पता था कि आयुर्वेद एक दर्शन है, और जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिखा रहा है आप सेकंड हाफ, इससे पता चलता है कि आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन है, मतलब अन्य दर्शनों की तुलना में इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इससे ये सिद्ध होता है कि आयुर्वेद एज एन यूनिक एंड इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट, ये प्रूफ हो जाता है कि आयुर्वेद एक श्रेष्ठ एवं स्वतंत्र दर्शन है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, एग्जाम में आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, लिखना कैसे बच्चों, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ऑल द बेस्ट।